हमारी मांग यह है कि हमारे खिलाफ किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून काले कानून मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं, जब तक इनको रद्द नहीं किया जाता इसी तरह से आगे भी प्रदर्शन चलते रहेंगे और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों की जान चली जाए, इसके बाद हम लोगों का प्लान दिल्ली जाने का है। कल सरकार ने वार्ता की बात करी अब इसमें कोई कुछ भी करे सरकार, जब तक ये कानून जड़ से रद्द नहीं होंगे तब तक किसान नहीं मानेंगे। और हमारे पंजाब हरियाणा के सभी अध्यक्षों ने किसान यूनियन के अध्यक्षों ने ये बात कही है कि हम लोगों ने लोहे पे लकीर डाल दी है कि ये काले कानूनों को वापस ही करवाना है। इसके अलावा जाने कि हमारे किसी कानून को कोई जरूरत नहीं है, हमें इनके किसी कानून की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा पहले चल रहा है कम से कम हमारा वैसे चलने दे। किसानों ने तो कभी प्रदर्शन किया ही नहीं था, क्योंकि उनको जैसा चल रहा था बेचारे रूखी सूखी रोटी खा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने एक काले कानून अंबानी और अंटानी के लिए लाकर किसानों को भिखारी बनाने का कटोरा देने का काम कर दिया है। आपको किसान बिल में जो पूरा एक बिल लाया गया है किन किन मुद्दों पर कौन कौन बिंदु ऐसे जैसा आपको? एक तो हमारी मंडियों को जो खत्म करने के लिए एमएसपी जो खत्म की जा रही है, एक तो उसके लिए हमें पूरी आपत्ति है। हमारी मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा, बाकी प्राइवेट सेक्टर खरीद करेगा तो बिहार के जैसा हमारे उत्तर प्रदेश का भी हाल होगा, जो किसानों के लिए एक दुखदायी सूचना है। और सब किसानों को एक मंच पे आना चाहिए। अभी तक काफी दल यहाँ पे आ चुके हैं और जो बचे हुए वो भी आ जाएंगे। आपने तक ज्ञापन वगैरह दे दिया? ज्ञापन देने के लिए आए हैं सर, अब ज्ञापन दिया जाएगा। पराली जो पराली वाला कानून है इसको रद्द किया जाए। किसी भी किसान ने 1 करोड़ देखा है, जो जुर्माना लगाया गया है ये वाला कानून रद्द किया जाए, जो पराली वाला कानून है कानून रद्द किया जाए। हमारे जथेबंदियों किसान शांतिपूर्वक गुरुद्वारे पे अपना समर्थन कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम पटेल चौक तक अपना धरना प्रदर्शित फ्लैग मार्च करेंगे, उसके बाद में वहाँ हम जाके ज्ञापन सौंप देंगे। जब यहाँ IDM साहब को और CO साहब को इन सबको कहा जा रहा था कि हम आधी सड़क एक साइड से पटेल चौक तक जाएंगे और आधी साइड हम खाली रहने देंगे, उसके बावजूद भी किसानों को क्यों दबाया जा रहा है कि हमें प्रदर्शन करने का, आज 8 दिसंबर है, पूरा भारत बंद है, कि हमें अपना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ नवाबगंज में कोई अलग से धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज पूरा भारत का धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कहीं तक हुआ नहीं जा रहा है। हमें कहा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो गेट है उसके अंदर बैठ के हमने धरना प्रदर्शन कीजिए, हम आपकी रिपोर्ट मीडिया में लगा देंगे। क्या हम गुरुद्वारे के अंदर बैठने के लिए एकत्र हुए थे? क्या जी यहाँ के प्रशासन से लड़ा कि आप देख रहे हैं गाड़ी आगे लगा रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, धक्का लाठी मारी, लाठी धक्का को धक्का दिया जा रहा है, लाठियों से धक्का दे रहे हैं, ऐसे करके जो प्रोटेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं धक्का दिया है और डंडा चलाने के लिए तैयार है, गाड़ी लगा रहे थे आगे। जो हमारा किसान साथी माननीय द्रौपदी ने वहाँ जेल में बिठाने हैं उन सबको छोड़ा जाना चाहिए, किसी का कोई FIR नहीं होना चाहिए, तब तो हम अपना ज्ञापन सौंपने के बाद में यह धरना शांतिपूर्वक समाप्त कर देंगे। अन्यथा अगर उन पर कार्रवाई की जाती है तो हम यह धरना समाप्त नहीं करेंगे, ये ऐसे जारी रहेगा और भी ज्यादा गिनती में किसान यहाँ पहुँचेंगे। सर बताएं, हम शांतिपूर्वक से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस हमें धक्के दे रही है, डंडों से हटा रही है, क्या चक्कर है? बताइए आप, क्या हमारे इस देश में कोई हम बगैर है, हम खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है क्या? हमें यहाँ तक नहीं आ रहा, हमने अपना हक मांगा तो हमें खालिस्तानी करार दिया गया, क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं चलने वाला सर। हमने मोदी सरकार जब वोट मांगने आते हैं तब हम जनता है, ठीक है? अब आज हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम खालिस्तानी हो गए है, आतंकवादी हो गए है, किसान किसानों के क्या है इतना तुम्हें पता नहीं है? सर को सबको पता है, 4 दिन बिल हमारे वो वापस करें, हमारा पराली वाला बंद करें, सब कुछ हमारा जो भी मांग हमारे किसान मांग रहे हैं वो हमारी सबसे माने, बस कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अपना हक मांगने के लिए खड़े हुए हैं आज, तो हमें इन्होंने आतंकवादी और खालिस्तानी करार दिया गया है। अरे भाई, हम भी हम ना तो कोई खालिस्तानी है ना हम पाकिस्तानी, हम सिर्फ अपने किसानों के लिए वो हमें दिए जाए, हम अपनी पूरा पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं कोई गवार नहीं है जो घूम रहा है हमारे साथ, पढ़े लिखे हैं, किसी के लिए नौकरी नहीं है, किसान
चाहिए, हमें तो पैसे भी मारा जा रहा है, पैसे मार दो। तब ये कहा गया था जनरल वालों को जॉब दी जाएगी, एक भी आज देखिए जो भी डिग्रियों वाले जितने भी बॉयज हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, वो आज सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में कौन सा रहन दे रहे हैं, खेती में तो वो भी हमारा चला जाएगा। दो तीन चीजें हैं, किसान को कई चीजों से जूझना पड़ता है, कुदरत की मार से जूझना पड़ता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जितनी वो मेहनत करता है उसमें उसको इनकम नहीं मिल पाती, जितनी कमाई है जितनी वो लगा लगाता है वो उसका भी उसका भी नाराजगी है। फिर कुदरती मार है, मौसम की मार है, उससे बचना होता है। फिर सरकार को लेकर भी तमाम नाराजगी है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा गरीब किसान बड़ी संख्या में उठाते हैं, किसी के पास अपना घर नहीं है, कैसे हम दिखे आपका क्या सोचती है? इसके चार बच्चे होते, इसका घर पर माँ बाप होता, ये गरीब होता, ये रोटी देनी होती, दवाई लानी होती, बच्चों की पढ़ाई होती, तो मोदी को पता होता सर। जो आप उनकी नीति उन पर सवाल थे, लेकिन प्रधानमंत्री गरिमा पद हो, अरे गरिमा है तो क्या सर, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, किसानों की कोई इज्जत नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पंजाब के जो किसान होते हैं और जो पंजाबी लोग होते हैं, जो सरदार बड़ी मेहनती जज्बे वाले लोग, इसीलिए तो उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा, वो अपने हक मांग रहे हैं, हम अपने हम क्या खालिस्तान, उन पे लाठी चार्ज करा जा रहा है, तो लाठी चार्ज हो रहा है भाई। तो वाली थोड़ी आज की बात कीजिए सर, आप आरोप जो ये लगाया है खालिस्तान वाला, हाँ तो वो तो लगाते हैं, वो तो अब भी कहते हैं, अगर हम खालिस्तानी होते तो हमारे दस में गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी हिंदुओं की बीवियों को क्यों बचा कर लाते हैं, अगर हम खालिस्तानी होते तो शहीद करते, चांदनी चौक को हमारे कुत्ते वहाँ के क्यों शहीद होते, इसीलिए सोचा ताकि हमारी एकता बनी रहे, बनी रहे। हम हमारे जो नेता है वो हमारी एकता बनाना ही नहीं चाहते, और ना हमारी सरकार चाहती है। हिंदुस्तान के बारे में इकबाल ने बड़ी अच्छी नज्म में अपनी बात कही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, यकीनन हिंदुस्तान तमाम धर्मों से मिलकर ही बना है।